अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आप देख रहे हैं इन्फो ओवर यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ। दोस्तों क्या आप अच्छी जॉब की तलाश में हैं? तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब पुलिस काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से 156 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। इस वीडियो में आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी कि कैसे आपने अप्लाई करना है, टेस्ट का वेटेज कौन सा होगा, कौन सी टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू टेस्ट लिया जाएगा और आपने कितनी फीस पे करनी है अगर आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड होगी, एज लिमिट कितनी होगी। तो तमाम ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल को पहली दफा देख रहे हैं, आप इस वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि तमाम फ्यूचर में आने वाली वीडियो आप तक बिला ताखीर पहुंचती रहे। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो उसको लाइक भी कर दें और अपने तमाम ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो किसी अच्छी जॉब की तलाश में हैं। तो चलें दोस्तों आज के ट्यूटोरियल को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों पहले नंबर पे जो वैकेंसी है पंजाब पुलिस काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से वो है आईटी हार्डवेयर टेक्नीशियन, बीपीएस 14 की ये वैकेंसी है और नंबर ऑफ सीट्स हैं 5 और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है बैचलर डिग्री और इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस कंप्यूटर लैब मेंटेनेंस का होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो है 25 से 45 साल ऑन डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। नंबर 1 पे जो वैकेंसी है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, बीपीएस 7 की है। दोस्तों इसमें जो सीट्स की तुरात है 65 जो कि मेरे हिसाब से काफी सीट्स हैं और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट है और उसके साथ साथ एमएस वर्ड में 30 और इन पेज में 20 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए और एज का जो लिमिट रखी गई है वो है 20 से 45 साल। दोस्तों तीसरे नंबर पे जो वैकेंसी है वो सुपरवाइजर की है, नंबर ऑफ सीट्स 10 है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है सेकंड क्लास ग्रेजुएशन और एज लिमिट है 25 से 45 साल। उसके बाद वैकेंसी है सुपरवाइजर की, बीपीएस 9 है, 10 सीट्स ग्रेजुएशन इसके लिए रिक्वायर्ड है और सेकंड क्लास विद डीएई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, एज लिमिट इसके लिए है 25 से 45 साल। उसके बाद वैकेंसी है असिस्टेंट सुपरवाइजर की जो कि बीपीएस 7 है, 11 सीट्स है और इसके लिए भी ग्रेजुएशन मांगी गई है और एज लिमिट इसके लिए 25 से 45 साल। नंबर 4 पे आ जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, 10 सीट्स हैं, ये भी बीपीएस 7 है और इसके लिए सीट जो है वो 10 है और सेम क्राइटेरिया इसके लिए ग्रेजुएशन सेकंड क्लास विद डीएई और 25 से 45 साल इसके लिए एज लिमिट है। दोस्तों इसके साथ साथ टीचिंग विंग भी पंजाब पुलिस का जो है उसमें भी सीट्स काफी खाली हैं, जिसमें सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल है 5 सीट्स हैं और इसके लिए डीएई इलेक्ट्रिकल मांगा गया है सेकंड क्लास। नेक्स्ट है इसके लिए जो एज लिमिट है 21 से 45 साल है। नंबर 2 पे टीचिंग विंग के जो सीट्स हैं वो है सुपरवाइजर मैकेनिकल, 8 सीट्स हैं, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है डीएई मैकेनिकल एटलीस्ट सेकंड डिवीजन और एज लिमिट 21 से 45 साल। टीचिंग विंग के थर्ड पे जो सीट अनाउंस की गई है वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर, 5 सीट्स हैं, डीएई इलेक्ट्रिकल मांगा गया है और 21 से 45 साल एज लिमिट है। नंबर 4 पे असिस्टेंट सुपरवाइजर मैकेनिकल, 12 सीट्स हैं और बीपीएस 7 है और इसके लिए डीएई मैकेनिकल सेकंड क्लास और 21 से 45 साल एज लिमिट है। नंबर 5 पे है हेल्पर मैकेनिकल, 10 सीट्स हैं, मैट्रिक सेकंड क्लास प्रामा रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और 21 से 45 साल इसके लिए एज लिमिट रखी गई है। दोस्तों लास्ट पे जो वैकेंसी है वो है हेल्पर इलेक्ट्रिकल, बीपीएस 5 है और 5 सीट्स हैं, मैट्रिक इसके लिए मांगी गई है सेकंड क्लास और एज लिमिट सेम जैसे 21 से 45 साल। दोस्तों कैसे आपने अप्लाई करना है अब उसकी तरफ चले जाते हैं। दोस्तों ये सीट्स पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एनटीएस टेस्टिंग सर्विस के थ्रू अनाउंस की गई है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ये एडवर्टीजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ तमाम के लिए आपको फॉर्म के लिंक्स भी मिल जाएंगे, आप फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो है वो 390 रुपए है जो कि आप पे करेंगे और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 23 दिसंबर 2019। दोस्तों ये तमाम सीट्स पंजाब के कैंडिडेट के लिए है, अगर आपका पंजाब का डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और ये भर्ती 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी।
दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपनी क्यूरी, उसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।